नमस्कार, आज वीडियो में हम गर्ल्स टॉप बनाएंगे और बहुत ही सिंपल टॉप है जिसे बहुत आसानी से आप बना लेंगे। सिंपल सी डिजाइन है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो इसके लिए मैंने ये लियोन का कपड़ा लिया है, 2 मीटर कपड़ा है। तो 2 मीटर कपड़े में हम बनाएंगे, क्योंकि स्लीव्स यहाँ पर मैं अम्ब्रेला कट में बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने इसको 2 मीटर ले लिया है। इस तरीके से इसे हम खोल लेंगे और लंबाई में इसे बिछा लेंगे। एक बार सीधे में कर लेंगे। इस तरीके से सीधा करने के बाद में इसे कट कर देंगे। इसे मैंने कट करके नीचे से सीधा कर लिया है। अब हम इसे एक बार और फोल्ड कर देंगे, यानी इसे 4 फोल्ड में फोल्ड कर देंगे। हम जिस टॉप को हम बना रहे हैं उसका सबसे पहले हम टॉप भाग निकालेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे टॉप भाग का आपको मेजर बता देती हूँ। मैं यहाँ पे मैं इसको 15 इंची का टॉप कट करूंगी, तो मैंने इसे 16 इंची में ले लूंगी, यानी 16 इंची का मार्क मैं लंबाई में लगा दूंगी और इसे हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये फुल लेंथ हम इस टॉप की 25 इंच रखेंगे, जिसमें से मैंने 15 इंच का टॉप भाग निकाल दिया है। अब हम इसे उल्टा कर लेते हैं। इसे उल्टा कर लिया है हमने। अब हम टॉप भाग की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर लगाएंगे, 7 इंची यहाँ पर मैंने शोल्डर मार्क लगा दिया है। 14 इंची का हाफ 7 इंची ले लिया है। 6.5 इंची इसे आर्म होल का लगा रही हूँ, इसे हम सीधा कर देंगे। 34 इंच हमारे चेस्ट रहेंगे, जिसका 4th भाग हम लगाएंगे 8.5 इंची। 4th भाग मैंने चेस्ट का लगा दिया 8.5 इंची पर। 1.5 इंची हम इसकी मार्जिन रख लेंगे, पार्ट्स को मिला देंगे। 28 इंची इसकी कमर है, 4th भाग 7 इंची लगाएंगे। 7 इंची पे मैंने यहाँ पे कमर मार्क लगा दिया, 1 इंची यहाँ पर मार्जिन रखेंगे, इसको मिला देंगे। 1 इंची नीचे से डाउन करेंगे इस तरीके से, इनको मिला देंगे, आर्म होल राउंड करेंगे। 1/2 इंची हम फ्रंट भाग का आर्म होल अटक करेंगे, कम करते हुए उसकी मार्किंग लगाएंगे इस तरीके से। अब यहीं से हम इसकी कटिंग कर देंगे। जो हमने 1 इंची का मार्क नीचे लगाया था उसको भी कट कर देंगे। इसके बाद में नेक मार्क लगाएंगे हम, तो आगे पीछे से बराबर नेक कट करेंगे। 3.5 इंची की चौड़ाई में नेक की रख रही हूँ, 2.5 इंची की हम लंबाई रखेंगे। चौकोर बॉक्स बना लेंगे और राउंड शेप दे देंगे। नेक की कटिंग कर देंगे। इस तरीके से मैंने नेक को कट कर लिया है, आगे पीछे से बराबर रखा है और मैंने इसको बॉट नेक में कट करा है। अब हम बैक पार्ट को इसमें से अलग कर देंगे और जो फ्रंट भाग है उसकी यहाँ से आर्म होल्स की कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई टॉप भाग की। ये हमारा बैक पार्ट रहेगा और ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। फ्रंट भाग में हम हल्की सी नेक पे कटिंग करेंगे इस तरीके से, आर्म होल्स को मिलाते हुए। अपन नेक पर हम एक शेप डालेंगे, आप यहाँ पे कोई भी शेप दे सकते हो, बी वाला भी दे सकते हो और ये पत्ती वाला भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पे पत्ती वाला दिया है, यहाँ से कट कर देंगे इस तरीके से। आपको खोल के बता देती हूँ। तो इस तरीके की हम नेक पे फ्रंट में ये हल्की सी डिजाइन लगाएंगे। तो ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट के तैयार हो गए हैं। अब हम टॉप का बॉटम भाग तैयार करेंगे, घेरे की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से मैंने फिर से इसे डबल में लिया है। ये फुल लेंथ इसकी हम 25 इंच रख रहे हैं, जिसमें से हमने 16 इंची का टॉप कट कर लिया है, जिसमें 1 इंची हमने मार्जिन रखा था। तैयार वो 15 इंची में रहेगा टॉप। तो इसको हम 10 इंची हम इसकी घेरे की लंबाई रखेंगे, प्लस 1.5 इंची हम इसमें मार्जिन रख लेंगे नीचे से फोल्ड और ऊपर से सिलाई के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको 11.5 इंची में ले रही हूँ तरीके से। अब इस मार्क को हम सीधा कर देंगे।
से कट कर देंगे। इसी तरह हम एक और पार्ट निकाल लेंगे, क्योंकि एक हमें फ्रंट में लगाना होगा और एक हमें बैक में लगाना होगा। फ्रंट और बैक दोनों की निकालेंगे, फिर से फोल्ड कर लेंगे और इस पार्ट को रखेंगे और दूसरा पार्ट निकाल लेंगे, यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे घेरे के दोनों पार्ट कट के तैयार हो गए हैं, बैक और फ्रंट। और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना घेर देना चाहते हो। ये डबल में 22 है तो ये 44 हो गया है, यानी मैंने सिंगल को नापा। इस तरीके से ये खोलेंगे, जब ये 44 इंची का इसकी चौड़ाई रहेगी। आप चाहो तो इसका घेर कम करना चाहते हो तो इसे आप यहाँ से कट करके छोटा कर सकते हो, और अगर इसमें आप और जोड़ना चाहते हो तो आप इसमें और जोड़ सकते हो। तो आप घेरे को बढ़ा सकते हो और घटा भी सकते हो, लेकिन मैं इसमें इतना ही घेर दूंगी, यानी 44 इंची का घेर आगे रहेगा हमारा और 44 का बैक में रहेगा। तो इस तरीके से हमारे ये दोनों टॉप के घेर कट के तैयार हो गए हैं। मैंने एक तरफ रख देते हैं, स्लीव कट करेंगे तो फिर से मैंने इसको डबल कर लिया है। अब इसका अर्ज ज़्यादा है तो हम इसे थोड़ा कम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, फिर से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से मैंने इसको 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। स्लीव मार्क लगाएंगे तो स्लीव की लंबाई मैं यहाँ पे 13 इंची ले रही हूँ, मैंने 13 इंची पर मार्क लगा दिया। आधा इंची मैं इसका मार्जिन ले रही हूँ तो ये मैंने 13.5 इंची पर मार्क लगाया है। इसकी जो स्लीव्स कट देंगे हम, वो मैंने 9.5 इंची रखा है, उसको सीधा कर देंगे, जहाँ से कटिंग कर देंगे स्लीव शेप देंगे। तो यहाँ से हम नीचे से 2.5 इंची पर कट लगाएंगे, 2.5 इंची पर हम यहाँ पर मार्क लगा देंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम इसे स्लीव का शेप देंगे। अब हम इसकी मोहरी का मार्क लगाएंगे, तो मोहरी हमारी 5 इंची है, 1 इंची हम मार्जिन रखेंगे और इस तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हमने ये स्लीव कट करके तैयार कर लिए। अब हम फ्रंट कट लगाएंगे स्लीव का, तो इस तरीके से हल्का सा हम फ्रंट कट लगा देंगे। अब हम इसकी स्लीव पे अम्ब्रेला घेर लगाएंगे, उसकी कटिंग कर लेते हैं। इसको मैंने 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है इस तरीके से, तो इसकी मैंने 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है और इसकी मैंने लंबाई 7 इंची रखी है। इस तरीके से 7 इंची पर से हम इसको मार्क लगाते जाएंगे, इंची टेप को घुमाएंगे इस तरीके से, हम इंची टेप को घुमाते जाएंगे। यहाँ से पॉइंट को नहीं हटाना है हमें, सभी पॉइंट्स को मिला देंगे इस तरीके से, राउंड शेप को कट कर देंगे। इस तरीके से हम एक और कटिंग कर लेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे इसे 4 लेयर में, इसको रखेंगे दूसरे वाले कपड़े पर रखेंगे और इसकी सेम कटिंग कर देंगे। इसे हम दोनों स्लीव्स को कट कर लेंगे। यहाँ पे जितनी हमें मोहरी रखनी होगी उतनी हम इसकी कटिंग करेंगे। अम्ब्रेला कट का घेर है उसकी कटिंग कर लेंगे हम। इस तरीके से मैंने इस कटिंग को कम्प्लीट कर लिया है, दोनों की घेर को मैंने कट कर लिया है। इसके बाद हम बाजू उठाएंगे और बाजू का जो हमारा मोहरी है उसे हम नाप लेंगे। इसकी यहाँ पे फिक्स 6 इंची नाप आ रहा है, यानी 5 इंची हम मोहरी बनाएंगे और 1 इंची यहाँ मैंने मार्जिन ले रखा है। 6 इंची हमारा हो रहा है और यहाँ पे ये 2 लेयर है और यहाँ पर 4 लेयर है, तो 6 इंची का 4th भाग होता है 1.5 इंची। 1.5 इंची के नाप से हम इसकी यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम 1.5 इंची का एक मार्क लगा देंगे, इसी हिसाब से हम इसकी कटिंग कर देंगे। और सेकंड वाले की भी हम इसको रख के इसके ऊपर कटिंग कर देंगे। इसके बाद हम इन्हें खोल लेंगे इस तरीके से और इनका एक हिस्सा कट कर देंगे। दोनों को हम खोल देंगे इस तरीके से, हम इसे खोल देंगे और इस पर हम इस तरीके से इसे जॉइंट कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल सही नाप में आ रहा है,
तो इस तरीके से हमारी ये बाजू कट के तैयार हो गई। तो चलिए इसे हम सिलना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारी दोनों स्लीव्स हो गई हैं, ये हमारे दोनों घेरे हो गए हैं और ये हमारा टॉप का ऊपर भाग हो गया। तो इस तरीके से हम सबसे पहले टॉप भाग को ही सिलेंगे। तो हम फ्रंट भाग को ले लेते हैं। फ्रंट भाग को जो हमारा हमने कट डिजाइन का कट लगाया था उसके लिए एक हमने छोटा सा कपड़ा ले लेंगे टुकड़ा और इस तरीके से इसको इस पर रखेंगे और यहाँ से हम इसकी सिलाई कर देंगे। इसके बाद में इसे हम पलटेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको सिल दिया है। यहाँ किनारी किनारी मैंने इसकी सिलाई लगा दी है, नीचे मैंने इस पर कपड़ा लगा लिया है सेम कलर का। अब हम इसकी बीच में से कटिंग कर देंगे और हल्का सा कॉर्नर पे कट लगा देंगे और साइडों में भी लगा देंगे। अब इसे हम पलटेंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी निकाल देंगे। हम इसे नीचे की तरफ पलट देंगे। आप चाहो तो इस पे एक ओवर स्टिच कर सकते हो ताकि ये अच्छे से दब जाए। तो इस तरीके से देखिए लग के तैयार हो जाएगा। ये मैंने अभी इस पे प्रेस लगाई है तो ये फिनिशिंग के साथ आ गया है। थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए मशीन लगा दीजिए। तो यहाँ पे आप मशीन भी चला सकते हैं, तो मैं अभी यहाँ पर मशीन लगा रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसे सिलाई लगा के और भी फिनिश कर लिया है। तो आप भी इस तरीके से इसे सिलाई लगा के फिनिश कर लीजिए। बैक पार्ट लेंगे और दोनों को इसमें शोल्डर अटैच कर देंगे इस तरीके से हम। इसके बाद में सिर्फ शोल्डर अटैच कर देते हैं। तो इस तरीके से मैंने शोल्डर अटैच कर दिया है, नेक जुड़ के तैयार हो गया है। अब हम नेक की फिनिशिंग करेंगे। इसके बाद में हम इस तरीके से तिरछी पट्टी कट कर लेंगे, इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद में इसे उल्टा कर लेंगे, फिर इसके बाद में इस तरीके से हम नेक पर रखेंगे इसे और पूरे में इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। यानी पट्टी कट करेंगे उसे हम इस तरीके से पूरे में राउंड कर देंगे। तो इस तरीके से इसे हम राउंड में लगा लेंगे। यहाँ से हमने इसे फोल्ड किया था, लास्ट में इसे थोड़ा छोड़ दिया, इसे भी हम यहाँ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ एक सिलाई लगा देंगे, इसके बाद में हम इसे सीधा कर लेंगे इस तरीके से और इसके राउंड पे हम छोटे छोटे कट लगा देंगे सिलाई को बचाते हुए। इसके बाद हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक ऊपर से टॉप सिलाई कर देंगे। लेकिन ध्यान में रहे कि आपकी ये जो डोरी है इस पे बीच में सिलाई ना हो, यानी हम किनारी किनारी पर ही सिलाई लगाएंगे क्योंकि इसमें हम एक फैंसी डोरी डालने वाले हैं। यहाँ आपको किनारी किनारी पे ये पाइपिंग पर सीधे की तरफ हमें इसे टर्न करना है इस तरीके से। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से हम इसे टर्न करेंगे और किनारी किनारी पर हम सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से मैंने इस पर ये पाइपिंग लगा के अटैच कर ली है और नेक को तैयार कर दिया है। यहाँ पे जो हमने डिजाइन का कट लगाया था वो भी एकदम फिनिशिंग के साथ आ गया है। इसके बाद इस तरीके की डोरी हम ले लेंगे, रेडीमेड डोरी ये मार्केट में मिल जाती है। इसमें हम दोनों तरफ ये लटकन लगे हुए हैं तो एक तरफ का लटकन हम इस तरीके से हटा लेंगे और ये मोती भी निकाल लेंगे इस तरीके से। इन्हें निकाल के हम अलग रख देंगे, एक तरफ का हम इसमें लगे रहेंगे। इसके बाद में इसे हम सेफ्टी पिन से एक तरफ से डालना शुरू करेंगे और पूरे गले में इसे डाल देंगे। तो ये हम बाद में डालेंगे क्योंकि पहले हम स्लीव्स ज्वाइंट करेंगे इसमें। तो अब हम स्लीव्स तैयार कर लेते हैं कि इसमें अटैच करेंगे बाद में। तो इस तरीके से ये स्लीव्स है, हमने ये एक तरफ का जो ज्वाइंट खोला था इस तरीके से हम इस पर एक सिरे से इसे लगाना शुरू करेंगे और जो हमने कट किया था वो बिल्कुल सही नाप से बैठ रहा है। देखिए तरीके से यहाँ तक पूरे में हम सिलाई कर देंगे। तो इसी तरह हम दोनों स्लीव्स के घेरे को अटैच करके तैयार कर लेंगे। इस तरीके से अम्ब्रेला जो घेर हमने स्लीव्स के लिए कट किया था उसे मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। दोनों स्लीव्स को मैंने इसी तरह ज्वाइंट कर लिया है। इस तरीके से मैंने ये दोनों स्लीव्स को नीचे से
बॉटम भाग से तैयार कर लिया है। अब हम इन्हें एक तरफ रख देते हैं, इस टॉप में अटैच करेंगे, लेकिन एक बार इसका जो नीचे का घेरा है उसे हम तैयार कर लेते हैं। तो घेरे की कटिंग हमने कर रखी है इस तरीके से। ये हमारा एक भाग है, ये दूसरा वाला पार्ट है, एक फ्रंट में लगेगा और एक बैक में लगेगा। इस तरीके से इस एक घेरे को हम ले लेंगे और छोटी छोटी प्लेट से हम डालना शुरू करेंगे। इस तरीके से हम इस पे छोटी छोटी प्लेट से डालेंगे, छोटी छोटी प्लेटें यहाँ इस तरीके से हम डालेंगे, या फिर आप इसमें इस तरीके से अलग से इसमें प्लेट डाल लीजिए छोटी छोटी इस तरीके से, और फिर बाद में इसे टॉप के साथ अटैच कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे अलग से ही प्लेटें डाल के इसे पहले रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं टॉप के साथ अटैच करूंगी। तो इस तरीके से मैंने छोटी छोटी प्लेट्स डाल के इसके घेर को तैयार कर लिया है, और सेकंड वाले को भी मैंने इस तरीके से प्लेट डाल के तैयार कर लिया है। अब हम सिर्फ इसे इसमें जॉइंट ही करेंगे इस तरीके से। यहाँ बॉटम भाग पर इसे यहाँ से इस तरीके से सिल के अटैच कर देंगे। इसी तरह हम बैक साइड के हिस्से को भी इससे जोड़ लेंगे। आगे पीछे से दोनों साइड के दोनों पार्ट मैंने जॉइंट कर दिए हैं। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हम देख लेना है, हमने जो सीधी कटिंग करी थी जिधर फ्रंट पार्ट है टॉप का, उधर ही हम फ्रंट कटिंग रखेंगे स्लीव्स की। तो यहाँ इस तरीके से हम स्लीव्स को इस तरीके से यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर हम इस तरीके से स्लीव्स को इसमें अटैच कर देंगे, ये इस तरीके से आ जाएगी, और दूसरी वाली भी हम इस तरीके से अटैच कर देंगे। अब हम इसे उल्टा कर लेंगे इस तरीके से, इसमें जो फिटिंग वाला टांका है वो लगा देंगे। इस तरीके से हम सिलाई लगाते हुए नीचे तक इसे सिल देंगे। फिर इसके बाद में हम दूसरे वाले हिस्से को भी इस तरीके से सिल देंगे। जो नीचे हमारा बॉटम रहेगा उसको हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके और इस घेरे को तैयार कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए ये कंप्लीट हो गया है बनके। स्लीव्स भी यहाँ बहुत अच्छे तरीके से अटैच हो गई है। इस तरीके से हम ये वाली डोरी का जो एक तरफ का लटकन है वो हम निकाल देंगे, इसे बाद में सेट कर लेंगे, और इस तरीके से सेफ्टी पिन से इसे हम अंदर डाल देंगे। देखिए इस तरीके से ये बन के तैयार हो गया है। यहाँ पर हम इस डोरी को इस तरीके से बांध लेंगे। अगर आपको स्लीव्स अगर समझ में नहीं आई है तो मैं इसकी वीडियो जल्दी अपलोड करूंगी। तरीके से टॉप बनाइए, बहुत ही आसान है बनाना। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। अभी मैं आपको इस टॉप को पहन के भी बताऊंगी, तब देखना आप इसका कितना प्यारा लुक लगेगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू।